हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ 3x3 रूबिक्स क्यूब, जिसमें प्रीवियस 2 वीडियो में हमने 2 लेयर सॉल्व किया था, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। और ये वीडियो में हम लास्ट लेयर का सॉल्व करेंगे और आपका रूबिक्स क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें 4 कोड हम यूज़ करेंगे। सो वीडियो हल्का लंबा हो सकता है, तो आपका एंड तक ध्यान से देखना ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो समझने में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपने जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि जब हम का फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के सॉल्व करते हैं तो उसमें हल्की की दिक्कत आती है, लेकिन जब हम का लास्ट लेयर सॉल्व करते हैं तो उसमें हल्की ज़्यादा की दिक्कत आती है। सो उसको सॉल्व करते करते हमारा ये जो सेकंड लेयर है वो भी हल्का मिसमैच का हो जाता है, इसलिए इसको हल्का अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर क्या थर्ड लेयर आपका सॉल्व करो। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले बहुत सारे के रूल्स है, जैसे कि फर्स्ट आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये किसी भी मैच नहीं कर रहा है। सो इसमें आप इसको कैसे भी होल्ड करो, और एक सेंटर में एक पीस होगा। मींस यहाँ पर क्या है, 4 कंडीशन होती है, 4 मींस 3 कंडीशन होती है, जिसमें ओनली फर्स्ट कंडीशन ये है कि या तो आपका सिर्फ क्या है बीच में हो क्या है येलो होगा, मींस यहाँ पर क्या बीच में तो होगा कि ये चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ये कंडीशन है कि आपका सिर्फ ये बीच में येलो होगा। फिर अगर आपको ये दिखे तो आपको कैसे भी पकड़ना है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको का आपका टॉप पे रखो और ये वाइट को डाउन पे रखो, और इसको टॉप पे रखते हुए अभी मैं इसमें कोड का यूज़ करूँगा FRUR-U-F-. सो दोस्तों, ये यूज़ करने के बाद एक सेकंड कंडीशन हम हमारे सामने आती है कि जो है ये जो हमारा येलो है ये ऐसे हम ये शेप में बनता है। सो आपको अगर आप ये सेकंड लेयर के सॉल्व करने के बाद अगर आपको अगर ये ऐसा दिखता है तो उसके बाद आपको ये सेम कोड यूज़ करना है, बट इसको कैसे होल्ड करना है वो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमको ये कब मिल गया ऐसा, तो आपको इसको ऐसे ही होल्ड करना है, और आपको यहाँ से हमको स्टार्ट करना है FRU करके, ना कि इसको ऐसा पकड़ना है, इसको ऐसे ही पकड़ के सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा येलो का। सो मैं भी क्या कोड यूज़ करता हूँ, FRUR-U-F-. और ये देखो दोस्तों, आपका ये अभी स्ट्रेट लाइन बन गया है हॉरिजॉन्टल। अभी आपका थर्ड कंडीशन है, अब इसके बाद आपका ये प्लस बन जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको भी क्या ऐसे क्या इसको होल्ड नहीं करना है, इसको भी आपको इसको हॉरिजॉन्टल पर रख के आपको इसको ये सेम कोड का यूज़ करना है, FRUR-U-, और ये F-. और ये आपका देखो प्लस बन गया है, ये भी आपका मैच हुआ है, लेकिन ये मैच बराबर से नहीं हुआ है। ये देखो, ये आपका कॉर्नर से बराबर मैच नहीं हुआ है, ये मेरा गलती से हो गया है ये मैच, लेकिन ये मैच नहीं होता है। बट अभी हमारा ये जो फर्स्ट कोड यूज़ हुआ है, इससे पहले हमको ये फर्स्ट प्लस बनाना है, फिर हम जो सेकंड कोड यूज़ करेंगे उससे हम इसको का मैच करेंगे, ये जो सेंटर पीस है इसको हम को मैच करेंगे। तो हमको सबसे पहले इसमें देखना है कि ये किससे, इसमें भी क्या 2 कंडीशन है कि ये कौन सा भी 2 साइड क्या मैच कर रहा होगा। जैसे कि इसमें देखो, ये रेड और ये ब्लू मैच हो रहा है, और यहाँ पर ये ऑरेंज भी मैच हो चुका है, और ये ग्रीन भी का मैच हो चुका है। तो अब इनका ये जो इसका जो सेकंड कोड है इसमें मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसको, मैं वापस से मिस मैच करके मैं आपको पॉज करके दिखाता हूँ कि कौन सा कंडीशन आपको दिखेगा। सो दोस्तों,
ये देखो यहाँ पर मैं इस कंडीशन में मैंने आपके सेम सॉल्व किया है। सबसे पहले इसको ऐसे मैंने सॉल्व किया, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ये मेरा प्लस बन गया है। बट ये प्लस बनने के बाद देखो मेरा यहाँ पर मेरा मैच नहीं हुआ, और यहाँ पर भी नहीं हुआ, और यहाँ पर भी नहीं हुआ, और यहाँ पर भी नहीं हुआ। तो अभी इसके बाद हमारे पास हमको दो कंडीशन मिलती है, कंडीशन कि कौन सा भी दो तो सॉरी इसमें भी हमारा ये मैच हो चुका है। सो मैं आपको वापस से क्या चेंज करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये प्लस बन चुका है, और यहाँ पर ओनली टू साइड्स आपका मैच करेगा, या तो ये आपका ये साइड मैच करेगा, या फिर ये साइड मैच करेगा, या फिर कोई साइड बाई साइड का ये मैच करेगा। ये देखो मेरा कौन सा भी दो का मैच हो चुका है, और ये साइड मेरा दोनों मैच नहीं हुआ, मीन्स ये इधर का और ये इधर का है। तो उस टाइम के हम कहाँ मीन्स हमको उस हाँ मीन्स हमको उस टाइम पे हमको क्या करना है, जब हमारा ये एक साइड मैच हो और सेम इसके अपोजिट साइड अगर मैच होता है, तो फिर हमको जो साइड हमारा मैच हुआ है उसको राइट में रखना है एक को, और एक को लेफ्ट में रखने का है। और उसके बाद हमको ऐसे इसको होल्ड करके उसको हमको वो का जो कोड है उसको हमको अप्लाई करना है। और इस ये कंडीशन में मीन्स आपका जब यहाँ पर ये मैच होगा और यहाँ पर मैच होगा, तब आप इस पर जो कोड लगाओगे उसके बाद आपका ये कंडीशन आपको दिखेगा कि आपका ये जो ये साइड में क्या मैच हो जाएगा। फिर ये साइड में मैच होने के बाद ये सेम आपको अप्लाई करना है, बट इसको आपको होल्ड कैसे करना है, जैसे कि ये आपका एक साइड मैच हो चुका है और इधर यहाँ पर ये इसके पीछे साइड का मैच हुआ है, तो आपको उसको ऐसे होकर होल्ड करना है कि आपका ये साइड मैच हो, मतलब मीन्स एक लेफ्ट साइड और एक बैक साइड आपका मैच हो, और ये अपना ये जो फ्रंट है ये अपना और राइट है वो आपका मैच नहीं हुआ है। और फिर आपको ऐसे के होल्ड करके आपको ये कोड अप्लाई करना है, कौन सा मैं आपको बताता हूँ, R U U R U R U और ये आपस से R-। सो ये देखो दोस्तों, अब मैं इसको मैंने इसको रोटेट किया, ये हमारा प्लस बन चुका है, और प्लस के साथ हमारा ये भी मैच हो चुका है। अभी तक हमने सिर्फ दो कोड यूज़ किए, एक हमने ये प्लस बनाने के लिए, और दूसरा इससे हमको मैच करने के लिए। अभी थर्ड कोड क्या है कि ये जो फोर कॉर्नर है इस ये अपने प्लेस पे है कि नहीं वो हमें चेक करना है। इसमें भी क्या फर्स्ट कंडीशन है, या तो ये चारों अपने प्लेस पे नहीं होंगे, कहीं और भी हो गए, जैसे कि ये अभी पीस इधर का नहीं है, कहीं और का है, तो हमको क्या करना है, इधर का जो पीस होगा हमको यहाँ पर लेके आना है इसको, और फिर वो कैसी भी होगा चलेगा, फिर उसके बाद हमको लास्ट एक कोड है जो हमको यूज़ करना है। बट अभी क्या है कंडीशन क्या है, या तो कौन सा भी एक हमारा यहाँ पर मैच होगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पर हमारा पूरा मैच हो चुका है, या फिर ये हमारा मैच नहीं होता तो हमारा सीधे ये ऐसा रोटेट का होता, मीन्स ये का कलर यहाँ पर होता, ये यहाँ पर होता, और ये का यहाँ पर होता। बट कौन सा भी एक सिंगल कलर हमारा क्या मैच होगा, और अगर नहीं होता है तो आप कैसे भी इसको होल्ड करो और आपको सॉल्व करो। बट उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे ये थर्ड कोड अप्लाई करने के बाद, तो आपका ये जो पीस है वो आपका मैच हो जाएगा, मीन्स आपको ये जो पीस आपका है ये मैच नहीं होगा, बट ये अपने प्लेस पे आ जाएगा, और हमको सिर्फ आपका ये जो कॉर्नर के जो पीस है हमको बस इनके सिर्फ हमको प्लेस पे लाना है, फिर हम इसको क्या करेंगे रोटेट। सो अभी ये हमारा मैच क्या हो चुका है, तो उसको राइट साइड पे हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, मतलब इसको हम ऐसे क्या होल्ड करेंगे, ये राइट कॉर्नर में हम इसको रखेंगे, और हम क्या इसमें अभी अप्लाई करेंगे कोड, कौन सा L-U R
यू डैश एल यू और ये आर डैश। ये देखो दोस्तों, जब मैंने ये किया उसके बाद ये देखो, ये लास्ट ये हमारा ये प्लस कुछ नहीं बिगड़ा, बट ये देखो ये हमारा जो है वो उधर का उधर ही है। और अभी हमारा एक और पीस मैच हो चुका है। अभी ये पीस देखो, ये अपने प्लेस पर ही है, मीन्स ये इधर का पीस है, ये का कलर इधर का है और ये कलर इधर का है, मीन्स ये अपने राइट प्लेस पे, और ये भी अपने राइट प्लेस पे, मीन्स हमारा थर्ड जो कोड था वो लग चुका है। मैं आपको ये वापस से करके दिखाता हूँ मैंने अभी क्या यूज़ किया। तो अभी आप जब आप इसको वापस से यूज़ करोगे तो आपका बस ये मिस मैच का हो जाएगा और आपका ये प्लस भी का डिस्टर्ब नहीं हुआ। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो आपको मैंने अभी करके दिखाया, तो अभी ये हमारा प्लस का वैसा ही है। अभी ये जो पीस है ये इधर का ही पीस है, वो येलो रेड और ग्रीन, तो ये अपने प्लेस पे ही है, बट ये अपने प्लेस का नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही क्या होल्ड करना है, मीन्स आपका जो पीस का आपका मैच मतलब अपने जो पीस ये प्लेस पे है बस उसको ऐसे रखना है और उसको राइट कॉर्नर पे करके हमें बस ये कोड अप्लाई तब तक करते रहना है जब तक हमारा ये सब अपने प्लेस पे ना आ जाए। ये हमको तब तक यूज़ करना है जब तक हमारा ये अपने प्लेस पे ना आ जाए, और ये हमारा क्या नहीं हिलेगा। अभी देखो दोस्तों, अभी तक भी ये नहीं आया, ये हमारा ऑरेंज है और ये ब्लू और ये, तो हमारा ये तक नहीं हुआ। तो हमको सेम ऐसे होल्ड करना है और हमको इसको अप्लाई करते रहना है। सो दोस्तों देखो, ये अपने प्लेस में वैसा का वैसा ये है और ये हमारा मैच हो चुका है और ये भी हमारा मैच हो चुका है, मीन्स ये अपने प्लेस पे, बस हमको इसको ऐसे रोटेट करना है बस। सो अभी हमने जो फर्स्ट लेयर में जो सेकंड कोड यूज़ किया था, हमको ये सेम कोड अभी का ये हमको यूज़ करना है। सो इसको यूज़ करने के लिए हमने जब वो यूज़ किया था तो हमने क्या किया था, इसको पूरा हमने इसको घुमाया था, तो हमको अभी भी क्या वही करना है। और अभी हमको मीन्स ये हमारा पीस यहाँ पर ही है तो उसको लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट साइड इसको रखना है और सेम कोड हमको वो अप्लाई करना है। कौन सा वाला, एल डैश यू डैश एल यू, और ये आपको तब तक करना है जब तक आपका ये नीचे वाला जो है मैच ना हो जाए। एल डैश यू डैश एल यू, एल डैश यू डैश एल यू। देखो दोस्तों अभी तक नहीं हुआ है, अभी शायद से हुआ, लास्ट अभी है बाकी, अब हो जाएगा। एल डैश यू डैश एल यू और ये आपका हो चुका है। फिर आपको बस इसको कुछ आपको का डिस्टर्ब नहीं करना है, बस आपका जो पीस है जो आपका ये मैच नहीं हुआ है, बस इसको का ये कॉर्नर पे लाना है और आपको सेम कोड अप्लाई करना है। ये आपका डिस्टर्ब हुआ उसको आप कुछ मस्ती मत करना और आपको सेम कोड भी ऐसे अप्लाई करना है, एल डैश यू डैश एल यू, एल डैश यू डैश एल यू, और ये आपका हो चुका मैच और ये आपका हो गया पूरा सॉल्व। सो दोस्तों, ये रूबिक्स क्यूब पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है इसको सॉल्व करने में तो आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। और आप ये सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले आप ये जो मैंने कोड जो आप दिखाए हैं, मीन्स आपको जो ये जो कोड मैंने यूज़ किए हैं 7 कोड, वो आप सबसे पहले इसको लिख लो और फिर इसको अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर लो और फिर इसके और फिर आप इसके ऊपर अप्लाई करो और ये 100% क्या है ये सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको अगर कोई कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू।